अस्सलाम वालेकुम एवरीवन हाउ आर यू ऑल आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ फ़ाइन आई एम हेयर विद अनदर वीडियो लेक्चर माय लेक्चर नंबर इज़ वन हंड्रेड एंड एटी थ्री फॉर इंटर पार्ट टू जिसमें हम लोग यूनिट नंबर नाइन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अभी तक हम लोगों ने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में इंट्रोडक्शन लिया है हमने कैटेगरीज़ देखी हैं सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखा कि एरोमेटिक हाइड्रोकारबन्स एरोमेटिक वर्ड जो है ग्रीक वर्ड एरोमा से निकला है क्यों ये वर्ड यूज़ किया गया है क्योंकि अर्लियर जितने भी एलिमेंट्स जितने भी कंपाउंड्स जो थे जितने भी मेंबर्स जो थे वो जब डिस्कवर uh, हो रहे थे या वो जब स्टडी किया जा रहा था तो यही देखा जा रहा था कि उनके अंदर जो है दे कंसिस्टेड ऑफ़ दी सम ओडोर दे कंसिस्टेड ऑफ सम सम्रेगरेंस उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे थी uh, इससे पहले डिस्कस करने से पहले ये बता देती हूँ कि बहुत सारे कंपाउंड ऐसे थे जिनके अंदर ये फ्रेग्रेंस नहीं पाई गई थी सो दिस वॉज ट्रिवियल मैथड ऑफ क्लासीफिकेशन लेकिन एक इम्पॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक यहाँ पर देखी गई थी दैट वॉज के बहुत जो जितने भी हायर मेम्बर्स थे अगर उनको ब्रेक डाउन किया जाता था उनकी डिग्रेडेशन होती थी तो दे रिलीज बेंजीन मॉलिक्यूल्स या फिर ऑफ बेंजीन और या फिर अगर हम अदर वे अराउंड करें बात तो हम ये कह सकते हैं कि बेंजीन मॉलिक्यूल की मदद से हम लोग हायर मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस कर सकते थे हायर मेंबर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं Uh, उसके अलावा हम लोगों ने क्लासिफिकेशन की है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो है मेनली टू डिफ़रेंट कैटेगरीज़ में हम लोग उनको डिवाइड कर सकते हैं मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड पॉलीसाइक्लिक हाइडोमेटिक हाइड्रोकारबन्स मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकारबन्स जो हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन्स दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली अ सिंगल रिंग ऑफ बेंजीन और उस बेंजीन के अंदर कुछ वेरिएशन ले आए उस तो वो डेरिवेटिव्स कहलाएंगे या फिर मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकारबन्स जिनमें हमने मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स को स्टडी किया जैसे टोलोविन है फिनोल है एनिलीन है बेंजोइक एसिड है बेंजलडिहाइड है और बेंजीन सल्फोनिक एसिड है इन सब में हमने यह देखा था कि हमने एक हाइड्रोजन जस्ट वन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर मुख्तलिफ़ ग्रुप्स को अटैच कर दिया जैसे कि मिथाइल ग्रुप है हाइड्रोक्सिल uh, ग्रुप है अमाइन ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है एल्डीहाडिक ग्रुप है या फिर सल्फोनिक ग्रुप है जिसकी वजह से बेंजीन का रिंग अपनी जगह पे है सिर्फ उसका एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो ये ग्रुप्स आके उसकी जगह पे अटैच हो गए और एक नया डेरिवेटिव एक नया कंपाउंड बन गया और उसका यहाँ पे पेरेंट कंपाउंड क्या है बेंजीन ओनली। दूसरी हमारे पास कैटेगरी थी दैट वाज द पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी कि ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर एक से ज़्यादा कम अज कम दो या दो से ज़्यादा बेंजीन के रिंग्स प्रेजेंट हों अब ये भी फर्दर हम लोगों ने आगे टू डिफरेंट कैटेगरीज में इसको सब डिवाइड किया था दैट वॉज दी फर्स्ट कैटेगरी जिसके अंदर बेंजीन के रिंग एक दूसरे से सेपरेट हैं ऑल दो एक मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड के अंदर दो या दो से ज़्यादा बेंजीन के रिंग हो सकते हैं इस कैटेगरी में पर दोनों बेंजीन के रिंग जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं हैं uh, जो सेकेंड कैटेगरी है उसमें हमने देखा कि बेंजीन के रिंग एक दूसरे से फ्यूज़ हैं और फ्यूज रिंग्स के दरमियान में कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो शेयर हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर कम होगा अब आते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ दैट इज़ अबाउट द नाम क्लेचर नॉमिन क्लेचर मतलब नेमिंग प्रोसेस क्या है आप किस तरह से नेम करोगे क्या रूल्स हैं इनको नेम आउट करने का इन रूल्स को एक दफ़ा आप स्टडी कर लें इन रूल्स को एक दफ़ा आप समझ लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कल को आपको मुख्तफ नाम के कंपाउंड्स बताए जाते हैं जो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बिलोंग करते हैं चाहे वो हायर मोली कंपाउंडस हों या फिर लोअर मोलिकुलर मैस के कंपाउंड्स हों अगर आपको रूल्स को स्टडी आपने किया हुआ है आप रूल्स की मदद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो इट विल बी बीजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इसके अंदर कितने बेंजीन रिंग हो सकते हैं कितने कार्बन आइटम्स होंगे कितने हाइड्रोजन आइटम्स होंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो नॉम क्लेचर इसीलिए स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना सिर्फ इसलिए कि हम आइडेंटिफाई कर सकें बल्कि अगर आपके पास आपने कल को कोई कंपाउंड डिस्कवर किया है और आपको पता चलता है दिस बिलोंग्स टू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स तो क्या सेट ऑफ़ रूल हैं जिनकी मदद से जो है आप इनको जो है आ, नेम कर सकते हो ताकि फर्दर आप इनको इस ग्रुप में जो है प्रॉपर्ली एडजस्ट कर सकें तो नॉमिन के प्रोसेस में हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को यानी कि ऐसे कंपाउंड्स को जो जिनके अंदर सिंगल बेंजीन का रिंग प्रेजेंट है और उस बेंजीन के रिंग के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मॉडिफिकेशन हुई है हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर कोई नया ग्रुप आके अटैच हो गया है तो ऐसे कम्पाउंडस या ऐसे डेरेवेटिव्स को हम किस तरह से नाम दे सकते हैं ताकि हम उसको इस ग्रुप के अंदर एडजस्ट करवा सकें सो so, जब हम लोगों ने अपने प्रीवियस चैप्टर में जो है एफैटिक हाइड्रोकार्बन्स को देखा था उसके अंदर हमने अल्किस अल्किन्स और अल्कस को स्टडी किया था और इन तीनों को स्टडी करने से पहले हमने इनके नॉमल क्लेचर को स्टडी किया था नॉमन क्लेचर में हमने कार्बन को नंबरिंग दी हमने जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उसके हिसाब से जो है जैसे सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है उस हिसाब से हमने कार्बन की नंबरिंग की चें्स को आइडेंटिफाई किया और इसकी मदद से पूरा का पूरा नॉमल हमने स्टडी किया था बट अगर हम कंपेयर करते हैं नॉमन ऑफ एलिफेट हैन दैट ऑफ द एलीफेटिक हाइड्रोकारबन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कह लें एक इंट्रोडक्ट्री लेवल का नामिन क्लेचर था जो आप लोगों ने स्टडी किया था बहुत सिंपल था अब एरोटिक का इट इज अट कॉम्प्लेक्स दैन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड चर ऑफ एरोटिक हाइड्रोकार्बन्स तो अब जिस सिस्टम का हम लोग यूज करेंगे जिसकी मदद से हम लोग बेनजीन को या फिर उसके डेरिवेटिव्स को नेम देंगे इनका एक मतलब एक किस सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से हम ये नेमिंग प्रोसेस को लेके चलेंगे इट जनरली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सब्सिट्यूंट्स ऑन द बेंजीन रिंग इट डिपेंड्स के बेंजीन रिंग ये मोनोसाइक्लिक है, है यानी कि इसमें अंदर बेंजीन का एक ही रिंग प्रेजेंट होगा तो इट डिपेंड्स अपॉन दिस सब्सिट्यूंट के कितने सब्सटीटूंट्स एक ही बेंजीन रिंग के अंदर प्रेजेंट होंगे उस हिसाब से हम लोग इसके नॉमन को ले आगे चलेंगे सो so, हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक रूल्स से इम्पॉर्टेंट रूल्स से जिनको लेके हमें चलना है फॉर द प्रोसेस ऑफ नेमिंग सो पहला हमारे पास रूल क्या है कि जो मोनो सब्सटिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स होते हैं यानी कि ऐसे बेंजीन के डेरिवेटिव्स जो कि सिंगल रिंग है इसके अंदर बेंजीन का और उसके अंदर सिर्फ़ एक सब्सिटूंट ऐड हुआ है यानी कि एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह पे आपने कोई सब्सिटूंट को उसमें ऐड किया है तो सबसे पहले हम उनके बारे में बात करेंगे तो ऐसे डेरिवेटिव्स ये डेरिवेटिव्स बन के ऑब्वियसली जब एक का एक बेंजीन का रिंग है आपके पास दिस इज अ सिंपल बेंजीन रिंग दैट कंसिस्ट ऑफ सिक्स कार्बन आइटम्स एंड सिक्स हाइड्रोजन आइटम्स तो जब आप इस रिंग के अंदर कोई चेंजेस लेके आएंगे इसके किसी आइटम को निकाल के उसको सब्सटीट्यूट करके कोई और ग्रुप ला के अटैच कर देंगे तो जो नया कंपाउंड बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज डेरीवेटिव ऑफ दैट बंजीन रिंग तो जब हम लोगों ने नेमिंग प्रोसेस करना है दे आर नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग बेंजीन विद द नेम ऑफ द सब्सटिटेंट यानी कि आप लिखेंगे बेंजीन और बेंजीन नाम से पहले आप एक प्रीफिक्स ऐड कर देंगे प्रीफिक्स मतलब वो ग्रुप ऑफ वर्ड या ग्रुप ऑफ लेटर जो कि एक रूट वर्ड से पहले आता है प्री यानी कि पहले तो बेंजीन हमारा रूट वर्ड है इसको हम लोग लिखेंगे और उससे पहले हम अपना जो सब्सिटूंट है उसको प्रीफिक्स के तौर पर लिखेंगे दिस इज़ द बेंजीन वर्ड ये हमारा रूट वर्ड है इसको हम यहाँ पे लिख लिया जिस तरह का सब्सिटेंट होगा वो यहाँ पे प्रेफिक्स के तौर पे आके ऐड हो जाएगा और ये जो पूरा वर्ड होगा इसको हम लोग टू डिफ़रेंट वर्ड से नहीं लिखेंगे बल्कि एज आ सिंगल वर्ड इसको मेंशन करेंगे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सबसे सिंपल मोस्ट एग्जांपल है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर आप मिथाइल ग्रुप को ला अटैच कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या है क्या सब्सिट्यूंट है मिथाइल तो उसको यहाँ पे मैं प्रीफिक्स के तौर पे लिखूंगी बेंजीन पहले से ही लिखा हुआ है मिथाइल इज ऑवर प्रीफिक्स जो कि डेरिवेटिव था तो इसको एज अ सिंगल वर्ड ही मैं स्टडी करूँगी मिथाइल बेंजीन ये टू डिफरेंट वर्ड्स नहीं होंगे मिथाइल एंड बेंजीन रदर इट इज अ सिंगल वर्ड मिथाइल बेंजीन ये सब्सिटूंट के ऊपर डिपेंड करता है इसी तरह अगर मिथाइल की जगह पे कोई और सब्सिटूंट यहाँ पे आकर अटैच हो जाता है बेंजीन अगेन ये हमारा रूट वर्ड है और इससे पहले यहाँ पे कोई प्रीफिक्स यहाँ पे ऐड होगा तो अगर यहाँ पे मैं सब्सिट्यूंट चेंज कर लेती हूँ पहले यहाँ पे मिथाइल ग्रुप था अगर मिथाइल ग्रुप की जगह पे कोई और ग्रुप आकर अटैच हो जाए फॉर एग्जांपल सी एच टू सी एच थ्री दिस कंसिस्ट ऑफ टू कार्बन आइटम जिसका मतलब ये कौन सा रेडिकल है ये इथाइल रेडिकल है तो यहाँ पर क्या हमारा पास आएगा प्रीफिक्स के तौर पर इथाइल बेंजीन तो ये इथाइल बेंजीन भी ये एक सिंगल वर्ड होगा आप देख सकते हैं जब मिथाइल यहाँ पे सब्सटिटेंट आया था तो मिथाइल बेंजीन जब इथाइल सब्सिटुवेंट आया तो इथायल बेंजीन तो जो भी सब्सटिटेंट आप यहाँ पे ला के ऐड करेंगे वो बेंजीन से पहले उसका नाम आप मेंशन कर दें तो जब भी आप स्टडी करेंगे अगर आपको कोई कहता है इथाइल बेंजीन तो आपके माइंड में यही क्लिक होगा कि एक बेंजीन का रिंग है और उसमें एक इथायल रेडिकल या इथायल ग्रुप जो है आगे अटैच हुआ हुआ है इसी तरह वी हैव अनदर एग्जांपल। दिस इज अ अंजीन रिंग और यहाँ पे अगर हम एक क्लोरीन का एटम ला कर अटैच कर दें तो बजीन अगेन हमारा रूट वर्ड है बेनजीन से पहले सब्सटिट्यूंट को ऐड कर दें क्लोरीन नहीं लिखेंगे बल्कि क्लोरो लिखेंगे क्लोरोबेंजीन तो अगर आपको कोई कहे क्लोरोबेन्जीन तो इसका मतलब वन बेंजीन रिंग हैविंग अ क्लोरीन आइटम इन द प्लेस ऑफ वन ऑफ इट्स हाइड्रोजन एटम एक हाइड्रोजन ऐटम की जगह पर क्लोरीन ऐटम आके अटैच हुआ हुआ है सिमिलरली देर इज अनर एग्जाम्पल जो कि इसी रूल को फॉलो करती है जिसमें हम लोग प्रीफिक्स के तौर पर इस सब्सिटेंट का नाम लिख देंगे यहाँ पर अगर हम लोग रिप्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन एटम को तो विद एन नाइट्रो ग्रुप तो अगेन यहाँ पे बेंजीन जो है फॉर दिस वन आई एम राइटिंग द नेम बनजीन इज ओवर रूट वर्ड इसीलिए बी स्मॉल है और यहाँ पर आके हमारा प्रीफिक्स सैड होगा उस uh, यू कैन से सब्सिटूंट का जो कि आप लोगों ने इसमें ऐड किया था बेनजीन रिंग में सो इट विल भी नाइट्रोबेजीन यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो यहाँ पे सब्सटीटूंट ऐड हुआ है तो दिस इज़ द फर्स्ट रूल जो आ, जो आके आपको फॉलो करना है कि अगर आपका जो बेंजीन रिंग है उसके ऊपर एक ही सब्सटिट्यूंट आके अटैच हुआ है तो एक ही सब्सटिट्यूंट अटैच हुआ है तो सबसे पहले आप उस सब्सिट्यूंट का नाम मेंशन करें और साथ में बेंजीन लिख दें सब्सिटूंट का नाम जो है प्रेफिक्स के तौर पर ऐड होगा और ओवरऑल उसको हम लोग एक सिंगल वर्ड से स्पेसिफाई करेंगे उसको एक सिंगल वर्ड से मैंशन करेंगे रैदर देन मैंशनिंग इट एज टू डिफरेंट वर्ड्स तो दिस वॉज द रूल नंबर वन ना वी आर मूविंग ऑन टू द रूल नंबर टू अस सी व्हाट सेज व्हाट डज द रूल नंबर टू से सो रूल नंबर टू के हिसाब से कि कुछ मोनो सब्सिटी सब्सटीटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स ऐसे भी हैं जिनको स्पेशल नाम दिया जाता है जैसे कि मिथाइल बेंजीन है जैसे अभी आपने देखा कि जिसमें बेंजीन का एक हाइड्रोजन आइटम उसको रिप्लेस करके मिथाइल का ग्रुप आके अटैच कर दिया तो उसे मिथाइल बेंजीन का और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हुए हैं तो उसमें बेंजीन को हम लोगों ने किसी और नाम से मेंशन किया था दैट वाज टोल सो व्हाई क्योंकि कुछ सर्टेन मोनोसट्टिट्यूटेड बेनजीन डेरिवेटिव्स ऐसे भी हैं जिनको हम लोग स्पेशल नाम से मेंशन करते हैं जैसे कि मिथाइल बनजीन को हम लोग टोलोन के नाम से देखते हैं हाइड्रोक्सी बेनजीन को हम लोग फिनोल के नाम से जानते हैं तो हम ने इनके लिए एक स्पेशल नेम्स मेंशन कर दिए हैं अगर आपको उन नेम्स को याद रह जाए जैसे मिथाइल बनजीन की जगह पर अगर आप टोलोवन भी कहेंगे तो ये अंडरस्टूड सी बात होनी चाहिए कि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप आ अटैच है या फिर अगर फिनोल का है तो फिनोल की जगह पर अगर आप हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहेंगे तो ये अंडरस्टूड सी बात होनी चाहिए कि यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है आके अटैच हुआ है बेंजीन के साथ तो लेट अस सी सम ऑफ द एग्जांपल्स हमारे पास पहला बेंजीन का रिंग है जहाँ पे मिथाइल ग्रुप आके अटैच है अपने प्रीवियस रूल में हमने देखा इट इज़ कॉल्ड एस मिथाइल तो स्पेशल नेम इसका क्या है टोलोन तो आप दोनों नामों से इसको जान सकते हैं मोस्टली जो है इसका ये स्पेशल नेम यूज़ होगा टोलुन का लेकिन अगर इसको मिथाइल बेंजीन भी कहा जाए तो इट वुड नॉट बी रॉन्ग इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें हम लोगों ने हाइड्रोजन जो एटम है उसको रिप्लेस कर दिया एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ओ एच ग्रुप से इसको हम लोग कहते हैं फिनोल या फिर आप इसको अगर प्रीवियस रूल को फॉलो करें तो हाइड्रोक्सी बेंजीन के नाम से भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं इसी तरह अगर एक अमाइन ग्रुप आके अटैच हो जाए किसी बेंजीन रिंग के ऊपर यानी कि उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके नाउ दिस इज एन अमाइन ग्रुप एन एच टू तो आप इसको अमाइन बेंजीन भी कह सकते हैं या फिर अगर इसका स्पेशल नेम लें तो दैट इज एनिलीन दीज आर सम ऑफ द स्पेशल नेम जो कि सिर्फ इन्हीं बेंजीन बेनजीन से बिलोंग करते हैं दे डू नॉट दे केन नॉट बी यूज टोलवीन इज ओनली स्पेसिफिकली फॉर दिस डेरेवेटिव नॉट एनी अदर डेरीवेटिव ऑफ बेंजीन इसी तरह अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जो कि बंजीन रिंग के ऊपर आकर अटैच होता है ये सारे स्ट्रक्चर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोज में देखे हुए हैं जिसमें हम लोग मोनोसाइकिलिक और पॉलीसाइकिलिक को एक्सप्लेन कर रहे थे दिस इज अ बंजीन रिंग और यहाँ पर अगर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ कर अटैच हो जाए तो इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक बेंजीन भी कह सकते हैं या फिर इसका स्पेशल नेम है बेंजोइक एसिड बिकॉज़ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इसको हम लोग बेंजोइक एसिड जो कि इसका स्पेशल नेम है इसके अलावा देयर इज अनदर डेरिवेटिव बेंजलडिहाइड जिसमें सी ओ एच का ग्रुप आकर अटैच होता है तो जब भी नेम मेंशन होगा बेंजलडिहाइड इसका मतलब ये है कि उसका एक हाइड्रोजन जो है उसको रिप्लेस करके एक एल ग्रुप जो है आके अटैच हुआ है तो यहाँ पे आपने देखा कि जितने भी नेम्स हैं जो स्पेशल नेम्स हैं वो एक वो जो हमने प्रीवियस अभी रूल पढ़ा था जिसमें पहले प्रीफिक्स यूज़ करना है फिर बेंजीन का नाम और उसको एक सिंगल वर्ड से देखना है तो ये जो स्पेशल नेम्स हैं ये उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं यहाँ पे मतलब के इन स्पेशल नेम से सिर्फ यही डेरिवेटिव्स जो हैं वो मेंशन uh, किए जाते हैं और कोई भी डेरेवेटिव टोलिविन के नाम से या फिनोल या एनिलीन या बेंजोइक एसिड या बेंजल्डिहाइड के नाम से मेंशन नहीं होता ये था रूल नंबर टू इसके बाद हम लोगों ने ये देखना है कि जो बेंजीन के ऊपर जो ये सिक्स पोजिशन है सिक्स पोजिशन कौन कौन सी है ये हमारे पास एक बेंजीन का रिंग है तो जो इसके सिक्स कॉर्नर्स हैं दीज सिक्स कॉर्नर्स दे आर मेड अप ऑफ कार्बन यहाँ पे कार्बन है यहाँ पे कार्बन 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 एंड कार्बन ओके एंड दिस बॉन्ड दिस सर्कल इट शोज द डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स तो यहाँ पे सिक्स हमारे पास नंबर्स हैं कार्बन के सिक्स कॉर्नर्स हैं अभी तक हमने जितनी भी एग्जांपल पढ़ी हैं हम वो एक कार्बन नंबर वन पे स्टडी कर रहे थे पर आपने माइंड में ये रखना है कि ऑल द सिक्स पोजिशन इन बेंजीन दे आर एग्जैक्टली इक्वे सो देर इज़ ओनली वन मोनो मोनोसब्सटीट्यूटेड बेंजीन यानी कि यहाँ पे क्या है कि अगर मैं ये टोलवीन की बात करती हूँ या फिर मिथाइल बेंजीन दूसरा जो इसका कॉमन नेम है अगर मैं इस तरह से एक स्ट्रक्चर ड्रा करती हूँ एक हमारे पास वो स्ट्रक्चर है जो कि इधर ऊपर ड्रा हुआ हुआ है एक हमारे पास ये स्ट्रक्चर है जहाँ पर मैंने ये मिथाइल ग्रुप को यहाँ पर अटैच कर दिया या फिर इसकी जगह पर यहाँ पर अटैच कर दिया तो इस पोजीशन चेंज होने से पहले कार्बन नंबर वन पे था यहाँ पे कार्बन नंबर टू पे है यहाँ पे कार्बन नंबर फोर पे है तो अगर एक मोनो सब्सटिट्यूट है यानी कि एक सिंगल यहाँ पे सब्सटिट्यूंट ऐड है एक से ज़्यादा नहीं है ये दो डिफरेंट होंगे ये ये एक अलग कंपाउंड है ठीक है तो अगर एक सिंगल मोनो सब्सटिट्यूंट है वो चाहे जिस मर्जी कार्बन नंबर पे प्रेजेंट हो उसका नाम यही रहेगा उसकी पोजीशन चेंज होने से हम लोग उसके नेम को चेंज नहीं करेंगे उसका नेम यही रहेगा सो वेन हाइड्रोजन आइटम इज रिमूव फ्राम बेंजीन हम लोग वीट वी गेट अ फिनाइल ग्रुप सिम्बलाइज्ड बाय सी सिक्स एच फाइव और पी एच डैट इज़ सब्सिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप्स आर कॉल्ड एस एराइल ग्रुप्स सो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए आपने यहीं पर रूल्स यही दो रूल्स को फॉलो करना है यही दो रूल्स को आप स्टडी uh, करेंगे पहला रूल क्या है है कि यहां पे सब्सटिटेंट आके अटैच होगा और पहले हम लोग उस सब्सटिट्यूंट का नाम लिखेंगे प्रीफिक्स के तौर पे बाद में बेंजीन का नाम दूसरा क्या है कि आप चाहें तो उस रूल को फॉलो करें या फिर ये कुछ ऐसे बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं जिसमें जो है हमारे पास आ, स्पेशल नेम्स हैं जैसे टोलविन है फिनोल एनिलीन है बेंजोइक एसिड है बेंजल है तीसरा आपने माइंड में क्या चीज़ रखनी है कि जो ये अगर एक मोनो सब्सटीट्यूंट है यानी कि सिर्फ एक ही सब्सटिट्यूंट आके अटैच हुआ हुआ है तो चाहे वो कार्बन नंबर वन से लेकर कार्बन नंबर सिक्स जिस मर्जी कार्बन पर अटैच वो नेम से ही सेम ही रहेगा वो नेम चेंज नहीं होगा उसकी वैल्यू जो है वो सेम ही रहती है सो दिस वॉज ऑल माई लेक्चर अबाउट टुडे उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की भी समझ आई हो अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस विद मी इन द कमेंट सेक्शन आई एम हैव टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सोन इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन अल्लाह हाफिज़